अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खड़िया से होंगे। अगर आप आर्मी यानी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी एडमिशन डिटेल स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि लैट टेस्ट के जो एडमिशन है वो ओपन हो चुके हैं, लैट एडमिशन टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये जो टेस्ट है, अगर कोई स्टूडेंट LLB में एडमिशन लेना चाहता है किसी भी प्रोविंस से है वो, ठीक है, और वो LLB में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो टेस्ट को क्वालिफाई करे कम अज़ कम 50% से बाव मार्क्स से। ठीक है, जो स्टूडेंट ला करना चाहते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो इस टेस्ट को पास किए बगैर जो है एडमिशन दे, तो ये कंपलसरी है आपने इस टेस्ट को पास करना है। तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया, कब अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो है ना शेयर करेंगे। आप इस कॉन्ट तक 5 अप्रैल जो है ना इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और HEC विल कंडक्ट लैट एज डिज़ाइन द टेस्ट सेंटर ओवर ऑल द कंट्री ऑन 15 मई, संडे को आपका ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा 15 मई को। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट जो ना लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये रिकॉग्नाइज हो HEC से द पाकिस्तान बार काउंसिल। ठीक है, किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो HEC का ये टेस्ट जो है ना ज़रूर दें, और कम अज़ कम 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके 70-60% से अबव मार्क्स जो है ना होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया ये है कि आपने सेकंड ईयर जो है ना पास की हो। ठीक है, होप सर्टिफिकेट की बेस पे भी जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना होप सर्टिफिकेट की बेस पे ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब आप अभी अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट जो है ना आप इसी की बेस पे किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अप्लाई आपने ऑनलाइन ही करना है HEC की पोर्टल पर जाके। ठीक है, एस्पायरिंग लॉ स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई लैट ऑनलाइन HEC की पोर्टल पर जाके आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपसे छोटी सी इन्फॉर्मेशन पूछेगी, आपने HEC का पोर्टल जो है ना वो लॉगिन करना है। पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है ना आपने उनसे वो छोटी सी आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आपका बायो वगैरह का डाटा पूछेंगे, एजुकेशन डिटेल पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग फ़ी है ये टेस्ट की, 1000 प्रोसेसिंग फ़ी है जो आपने जो है ना अकाउंट नंबर पर जमा करवानी है, या अकाउंट नंबर आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और हबीब बैंक लिमिटेड की ब्रांच में जो है ना आपने ये जमा कराना है। और उसके बाद जो है ना आपने जो कॉपीज़ है, जो भी आपने एडमिशन फॉर्म की एडमिशन करवाना है उनकी कॉपीज़ निकलवानी है। ठीक है, और जो डिपॉजिट स्लिप है वो कोशिश करिएगा कि एक अपने पास रख लीजिएगा फोटोकॉपी, और जो दूसरी डिपॉजिट स्लिप है वो उन्होंने आपने अटैच करनी है साथ ही। ठीक है, और ये आपने सेंड करनी है H8 इस्लामाबाद सेक्टर H8। ठीक है, ये आप वो TCS वगैरह भी करवा सकते हैं, तो TCS के ज़रिए ही वैसे तो आप जो है ना सेंड करेंगे। उसके बाद इसका टेस्ट का क्राइटेरिया ये होता है कि ऐसे राइटिंग होता है 200 मार्क्स का, चाहे आपने इंग्लिश में या उर्दू में लिखे, कोई भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पॉवर्टी के बारे में इस तरह कोई भी सिंपल सा ऐसे होगा। और उसके बाद जो पर्सनल स्टेटमेंट होगी, पर्सनल स्टेटमेंट ये होगी कि फ़र्ज़ करेंगे हो टू क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट, पाकिस्तान में आप कैसे क्लीन और ग्रीन इन्वायरमेंट बना सकते हैं पाकिस्तान को। उसके बाद MCQs होंगे, सिनोनिम्स इंग्लिश के 20 MCQs होंगे, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम और प्रेपोजिशन होंगी। 20 MCQs जनरल नॉलेज के होंगे, 10 MCQs इस्लामिक स्टडी के होंगे, 10 MCQs पास स्टडी के होंगे, 10 MCQs उर्दू के होंगे, और 5 MCQs जो है मैथ के होंगे। ठीक है, ये जो है ना एक प्रोसीजर होगा। ठीक है, ये टेस्ट का जो है ना पैटर्न होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है। अगर किसी भी वाले से कोई भी टेंशन आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी जो है ना वो क्लियर करूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।